नमस्कार, मैं कमालुद्दीन अंसारी, मैं किसान के समर्थन में बोल रहा हूं और समर्थन खुल के कर रहा हूं। आज पूरे देश से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किसानों के साथ कितनी बर्बरता की गई, लाठी डंडे पानी कैनल छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान माने नहीं दिल्ली में। लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया के तरफ से उन्हें क्या क्या बोला जा रहा है, खालिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या संज्ञा लोग दे रहे हैं जो उनके विरोध में है। लेकिन मैं इन सब बातों को छोड़कर, मैं सवाल मेरा ये है कि अगर किसान दिल्ली में आए तो उन्हें कोरोना का डर, और अगर वही भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और मंत्रीगण सब मिलकर हैदराबाद में रैली करे तो उन्हें कोरोना का डर नहीं, वहां के लोगों को कोरोना नहीं होगा। आखिर फिर दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे गुजरात के, उस समय पत्र लिखकर मांग किए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री खुद बने बैठे हैं तो एमएसपी के कानून के दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब कांग्रेस के समय में आंदोलन किसान करते थे तो आकर भाषण में कहते थे कि संसद बाजू में, प्रधानमंत्री बाजू में, सारे चीज, लेकिन कोई आता नहीं। तो आज मेरा सवाल ये है कि जब बाजू में से सब कुछ है, प्रधानमंत्री जी भी है, संसद भी है, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर 3 तारीख का समय क्यों दिया जा रहा है? जब किसान जंतर मंतर की बात कर रहा था, निरंकारी मैदान में क्यों? इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि देश के किसान जो बोल रहे हैं उनकी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये किसान देश के रीढ़ की हड्डी है और यही किसान आपके संसद के कैंटीन तक का अनाज पहुंचाया जाता है जो आप खाते हैं। इसलिए उनके हिसाब से जो उनकी मांग है पूरी की जानी चाहिए। धन्यवाद।